नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 11R versus Samsung Galaxy S24 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11R में 6.43 इंच जबकि S24 5G में 5.79 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 11R से कम है। विड्थ की बात करें तो 11R में 2.93 इंच जबकि S24 5G में 2.78 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 11R से कम है। बात करें थिकनेस की तो 11R में 0.34 इंच जबकि S24 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 11R में 205 ग्राम जबकि S24 5G में 167 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 11R में सुपर फ्लूइड एमोलेड जबकि S24 5G में डायनामिक एमोलेड 2X की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 11R में 20:1:9 जबकि S24 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 11R में 6.74 इंचेस जबकि S24 5G में 6.2 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 11R में 1240x2772 और S24 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 11R में 90.34% जबकि S24 5G में 90.73% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 11R में 451 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S24 5G में 416 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 11R में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और S24 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 11R में 16 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S24 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 11R में Adreno 730 जबकि S24 5G में Xclipse 940 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 11R में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और S24 5G में Samsung Exynos 2400 मिलता है। बात करें RAM की तो 11R में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 16GB, 18GB की रैम मिलती है, जबकि S24 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 11R में एंड्रॉइड V13 जबकि S24 5G में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 11R में 5000 mAh जबकि S24 5G में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 11R में 1 कलर्स जबकि S24 5G में 6 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 11R में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39,700 रुपीस, 16GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 44,941 रुपीस, 18GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 45,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें S24 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 74,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 63,470 रुपीस, 8GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 79,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 11R में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy S24 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 11R आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S24 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo X100 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।